Refer to example 5, section 14.4, chapter 14. Find the probability that of student of class was born in August. आप क्लियरली ग्राफ देख सकते हैं हमारे सामने, जिसमें जान, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे साल का हमारा दे रखा है कि किस महीने में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मंथ ऑफ बर्थ के बीच में है। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन नाइन्थ क्लास, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 40 हैं। तो हमारा एन एस 40 हो जाएगा। अब देखिए, अगस्त के महीने में कितने बच्चे कितने स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन ऑगस्ट हमारे पास है 6, एन ई इक्वल्स टू 6। अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट बॉर्न इन ऑगस्ट हमारे पास हो जाएगी एन ई बाय एन एस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/40। तो ये हमारे पास आ गया 3/20। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/20 प्रोबेबिलिटी। ये हमारा आंसर।